सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और जल्दी से दोस्तों जय हिंद एक बार लिखिए, उसके बाद हम लोग अपने सेशन की स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जानते होंगे जो लोग नए जुड़े होंगे वो भी, जो है दोस्तों हम लोगों का नियम है कि जब हम लोग जुड़ते हैं तो सबसे पहले जय हिंद का कमेंट करते हैं दोस्तों। तो जल्दी से जय हिंद लिखिए और मैं देखता हूं कि कौन कौन प्रेजेंट हो गया है दोस्तों। जो जो आ गया हो दोस्तों जय हिंद लिखिए जल्दी, जो जो आ गया हो दोस्तों जय हिंद लिखिए जल्दी। तो शुभम गोदरा जय हिंद, आस्तिक यादव जय हिंद, नील प्रताप जय हिंद, जय हिंद दोस्तों। एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर लीजिए दोस्तों। शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। और आज का जो सेशन है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैथ प्रैक्टिस सेट 2। जी हाँ दोस्तों, मैथ प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट 2 में आप अगर कल वाली क्लास नहीं देखे हैं दोस्तों तो उसको देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है इसकी दोस्तों, पीडीएफ इसकी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जो लोग नए जुड़े हैं उनको, और जो पुराने हैं उनको पीडीएफ मिल चुकी होगी दोस्तों। पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा जाता है और टेलीग्राम पर भी भेजा जाता है दोस्तों। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं कल और आज के बीच में जो जुड़े हैं दोस्तों, उनको पीडीएफ नहीं मिले होगी, वो लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं दोस्तों, वहां पर उनको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और उस पीडीएफ का पासवर्ड था दोस्तों 1234। जी हाँ दोस्तों, आपका जो सुबह इंग्लिश की क्लास चली थी दोस्तों, उसकी पीडीएफ कल जो है इंग्लिश की क्लास में दी जाएगी दोस्तों। ठीक, तो चूंकि आज मतलब एक एक दिन के बाद का पीडीएफ मिलता है दोस्तों, जैसे आज की क्लास है तो कल पीडीएफ मिलेगा, कल की क्लास है तो परसों मिलेगा इंग्लिश वाले में। बाकी और जो क्लासेस चलती हैं दोस्तों वो बिना पासवर्ड के रहती हैं, डायरेक्ट आप उसको देख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश वाली दोस्तों, वो क्लास जो है आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहती है, उसमें आप जब पासवर्ड डालेंगे तभी खुलेगी वो क्लास दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद मोहित, जय हिंद आशीष, जय हिंद विवेक ओझा, जय हिंद सत्यम, अनुज शुक्ला जय हिंद, संत रामपाल जय हिंद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 34 तक कल हम पढ़ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, मैथ प्रैक्टिस सेट 2 दोस्तों आपकी, एक बार फिर से मैं बता देता हूं जो बच्चे नए जुड़े हैं दोस्तों, 10 बजे सुबह आपकी दोस्तों इंग्लिश की क्लास चलती है। और इंग्लिश में दोस्तों आपका इंग्लिश ग्रामर और प्लस वोकैब दोनों चीज इसमें करवाई जाती है दोस्तों, और एकदम बेसिक से शुरू से चल रही है दोस्तों। तो ये वाली क्लास जरूर देखा कीजिए, एक्स और वाई दोनों लोगों के लिए है। उसके बाद दोस्तों देखिए, जो 4 बजे अर्थात जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट इसमें करवाया जाता है। उसके बाद दोस्तों शाम को 7 बजे आपकी रागा की क्लास होती है। जी हाँ दोस्तों, तो ये 3 क्लासेस दोस्तों चलती हैं प्रतिदिन। तो जो बच्चे नए हैं वो एक बार फिर से देख लीजिए, यही क्लासेस 3 चलती हैं दोस्तों। उसके बाद फिर आप लोग अपना सेल्फ स्टडी करिए दोस्तों, लूसेंट की सामान्य ज्ञान पढ़ते रहिए, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ये 2 चीज दोस्तों आप पढ़ते रहिए। इसका केवल हम जैसे एग्जाम की डेट जब आ जाएगी दोस्तों तो उसके कुछ दिन पहले से उसको कराना हम शुरू करेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, ये नहीं कि सर के भरोसे आप बैठे रहिए, वो 2 चीज दोस्तों आप लोग पढ़ते रहिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का सेशन अपना। और आज हम लोगों का जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर कितने से दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 से। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 से। और क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है यदि ए बी सी डी एचपी में हो। जी हाँ दोस्तों, यदि ए बी सी डी एचपी में हो। जी हाँ दोस्तों, एचपी का मतलब होता है दोस्तों हरात्मक श्रेणी। और जब भी इंटर में आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, हरात्मक श्रेणी का उल्टा दोस्तों समांतर श्रेणी होता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 1/a, 1/b, 1/c, 1/d ये किस में होगा दोस्तों, ये किस में होगा, ये एपी में होगा दोस्तों। प्रश्न में यही कह रहा था कि ए बी सी डी एचपी में हो तो निम्नलिखित में से कौन सा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों,
तो हमको ये प्रूफ करना है कि कौन सा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी के बराबर होगा दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर ए बी सी डी आपका हरात्मक श्रेणी में है अर्थात एच पी में है दोस्तों, तो सबसे पहले हम एक बटे ए, एक बटे बी, एक बटे सी बटे डी अर्थात जब उसका अपोजिट कर देते हैं, उसको अपान में कर देते हैं दोस्तों, तो वो किस में हो जाता है, समांतर श्रेणी में हो जाता है दोस्तों। और समांतर श्रेणी का एक रूल है दोस्तों, अगर आपका टी वन टी टू टी थ्री टी फोर डॉट डॉट अगर ये दोस्तों एपी में है ना, अगर ये समांतर श्रेणी में है ना दोस्तों, तो जो समांतर श्रेणी का नियम होता है दोस्तों, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए और तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दीजिए दोस्तों, तो ये क्या होता है, ये दोस्तों बराबर होता है। तो वही चीज है दोस्तों, आप देख रहे होंगे वही चीज लिखा हुआ है दोस्तों, अर्थात जब इसको दोस्तों करें हम तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि टी टू यहां भी है, टी टू यहां भी है, टू टी टू बराबर टी वन प्लस टी थ्री दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसको आप अपनी कैपिटल में लिख लीजिएगा दोस्तों। जो लोग आज नए जुड़े होंगे उनको मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, पुरानी क्लासेस आप लोग देख लीजिएगा मैथ वाली, एक दो रुपए वाली कैपिटल बना लीजिएगा दोस्तों, और हम लोग जो सूत्र लिखते हैं वो अपनी कैपिटल में लिखते हैं, ताकि जब एग्जाम रहे दोस्तों तो केवल एक बार देखना रहे, बस पूरा रिवाइज हो जाए दोस्तों। तो याद रखिएगा, आप लोग उसको लिख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 लिखा है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 बराबर, इसी तरह दोस्तों इसी तरह क्या हो जाएगा दोस्तों, T3 माइनस, मतलब क्या हुआ दोस्तों, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, फिर इसी तरह दोस्तों T3 माइनस T2 हो गया ना, और इसी तरह दोस्तों T4 माइनस T3 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, T4 माइनस T3, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यही क्रम जो है लगातार चलता रहेगा। अगर दोस्तों ये और होता ना, अगर ये और होता दोस्तों, तो ऐसे लिखते चले जाते। तो देख रहे हैं दोस्तों, T2 का मान है दोस्तों एक बटे बी, टी टू का मान है दोस्तों एक बटे बी, माइनस T1 का मान है एक बटे ए, बराबर T3 दोस्तों एक बटे सी, माइनस T2 दोस्तों क्या लिखा है एक बटे बी, बराबर इसी तरह T4 एक बटे डी, और माइनस T3 दोस्तों एक बटे सी। सारी चीजें हमने लिख ली दोस्तों, इसको आप अपने कैपिटल में लिख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए, हम देख रहे हैं दोस्तों कि ये सभी बराबर हैं, ये सभी बराबर हैं दोस्तों, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग लिख लिए होंगे, ये सभी बराबर हैं, तो अर्थात ये बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर इसको के मान लीजिए। अब एक एक पद सॉल्व कीजिए, अर्थात दोस्तों यहां से जब आप हल करेंगे, एक बटे बी माइनस एक बटे ए बराबर के, इसी तरह एक बटे सी माइनस एक बटे बी बराबर के, इसी तरह एक बटे डी माइनस एक बटे सी बराबर के दोस्तों। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी को कहीं भी समस्या हो बताइए, मोहित सर समझ में आ रहा है, दीपक सर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तुरंत बताइएगा, कहीं भी कोई भी समस्या हो दोस्तों तुरंत बताइएगा। अब देखिए, इसमें अगर हम ए बी दोस्तों एलसीएम ले लें, तो बी से बी कट जाएगा दोस्तों ए, और माइनस ए से ए कट जाएगा दोस्तों बी, ये बराबर क्या हो जाएगा के। इसी तरह दोस्तों इसमें करेंगे, बी सी एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो सी से सी कट जाएगा बी, और माइनस बी से बी कट जाएगा सी दोस्तों, बराबर के। इसी तरह दोस्तों इसमें सी डी एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी से डी कट जाएगा सी माइनस डी, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों के। कहीं दिक्कत तो नहीं है दोस्तों। अब देखिए, हमको निकालना क्या था दोस्तों, हमको निकालना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। जी हाँ दोस्तों, हमको जो ज्ञात करना है, हमको जो ज्ञात करना है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, अर्थात इसी का मान निकालना है दोस्तों। तो हम देख क्या रहे हैं दोस्तों, ए बी है, बी सी है दोस्तों, सी डी है दोस्तों, तो इसका अगर हम मान निकाले दोस्तों, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इसका अगर मान निकाले दोस्तों, अर्थात ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी बटे के, उसी तरह बी सी बराबर हो जाएगा दोस्तों, बी सी बराबर हो जाएगा दोस्तों बी माइनस सी बटे के, और सी डी बराबर हो जाएगा दोस्तों, सी डी बराबर हो जाएगा दोस्तों सी माइनस डी बटे के। देख लूं दोस्तों, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो दोस्तों अब दिख रहा होगा,
अर्थात हमने किया क्या दोस्तों, हमको ए बी बी सी सी डी का मान निकालना था, तो इसीलिए ए बी बराबर हो गया दोस्तों ये के नीचे चला आएगा, बी सी बराबर ये के नीचे चला आएगा, सी डी बराबर ये के नीचे चला आएगा। किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, किसी को कहीं दिक्कत तो नहीं है। अब हमको यही निकालना है ना दोस्तों, तीनों मान मिल गया है, यही मान उठा के इसमें रख देंगे दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि कुछ लाइन हमको मिटानी पड़ेगी दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमको क्या निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ए बी का मान क्या है दोस्तों, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी बराबर हो जाएगा दोस्तों ए माइनस बी बटे के, फिर प्लस बी माइनस सी बटे के प्लस सी माइनस डी बटे के। तो दोस्तों यहां से के अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी, बी से बी कट जाएगा दोस्तों, सी से सी कट जाएगा दोस्तों, और बचेगा क्या, ए माइनस डी बटे के, यही बचेगा दोस्तों। अब देखिए बचा क्या दोस्तों, ए माइनस डी बटे के। अब हम स्टार्टिंग में चलते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग वाला हम मिटाल दिए हैं लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में लिखे होंगे दोस्तों, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था दोस्तों कमेंट करके बताइए। जब हम तीनों लिखे थे कि ए बी सी डी ये आपका समांतर श्रेणी में है, तो वहां पे हमने दोस्तों लिखा था, क्या लिखा था, जब तीनों पद आपका लिखे थे दोस्तों क्या लिखे थे बताइए आप लोग दोस्तों, यही लिखा था ना, ए बी बराबर ए माइनस बी बटे के, बताइए यही। तो उसमें हमने दोस्तों लिखा था a माइनस डी बटे के, अर्थात दोस्तों देवेश देवेश का सही कमेंट आ रहा है कि सर a माइनस डी, हाँ देवेश का सही कमेंट आ रहा है कि सर a माइनस डी बटे के, जैसे a माइनस बी बटे के था तो दोस्तों ए बी लिखे थे, b माइनस सी बटे के था दोस्तों तो यहां पे बी सी लिखे थे, सी माइनस ए बटे के था दोस्तों तो यहां पे सी ए लिखते। तो उसी तरह दोस्तों क्या है, ए माइनस डी बटे के है, अर्थात इसकी जगह पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, इसकी जगह पे दोस्तों हो जाएगा थ्री ए डी, ए माइनस डी बटे के की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों थ्री ए डी हो जाएगा। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो दोस्तों बताएं, बताइए आप लोग एक बार कमेंट करिए, कहीं समझने में दिक्कत हो रही है। आशीष कह रहे हैं सर थ्री कहां से आ गया, आशीष कह रहे हैं सर थ्री कहां से आ गया, तो देखिए आशीष थ्री कहां से आ गया मैं एक बार फिर से बताता हूं, आपके प्रश्न में था कि ए बी सी डी एच पी में है दोस्तों, तो यहां से हमने लिखा था एक बटे ए एक बटे बी एक बटे सी और एक बटे डी डी, ये आपका किस में होगा दोस्तों समांतर श्रेणी में होगा, अर्थात यहां से हमने निकाला था दोस्तों हमको किससे किस में संबंध निकालना है, ए और डी में निकालना है, किस में निकालना है दोस्तों ए और डी में निकालना है, अर्थात यहां से हमने क्या निकाला था दोस्तों एक बटे बी माइनस एक बटे ए बराबर एक बटे सी माइनस एक बटे बी और बराबर एक बटे डी माइनस एक बटे सी। तो तीन कहां से आया दोस्तों, देखिए क्योंकि हमको पता है कि पहला पद है, यहां से जब चलेंगे दोस्तों यहां तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद अर्थात एक सार्वांतर यहां पे मिलेगा आपको, एक सार्वांतर यहां पर मिलेगा दोस्तों और एक सार्वांतर यहां पे मिलेगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहां समझिएगा, दो चार छ आठ अगर लिखा है दोस्तों तो दो में कितना जोड़े दोस्तों दो, चार में कितना जुड़े दो, छह में कितना जुड़े दोस्तों दो, तो जो अंतर पड़ रहा है दोस्तों कितने कितने पड़ रहा है, दो दो का पड़ रहा है ना, तो अर्थात कितनी बार दो मिला, तीन बार दो मिला दोस्तों, कितनी बार दो मिला तीन बार मिला, अर्थात पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, तो कितने पद पर आप जा रहे हैं, तो वही चीज यहां पर था दोस्तों, हम लोग कहां से कहां जा रहे थे, ए से डी जा रहे थे, अर्थात ए बी सी डी था दोस्तों तो ए से डी जा रहे थे, तो कितने पद के बाद जा रहे थे दोस्तों, तीसरा पद था ना, तो इसीलिए दोस्तों जैसे यहां तीन था दूसरी तरह हमने यहां पे क्या लिखा दोस्तों तीन लिखा। ठीक, जब ये वाला चैप्टर बताएंगे दोस्तों समांतर श्रेणी तो उसमें आपको ये पूरा विस्तार से समझा दिया जाएगा। तो एक बार जल्दी से दोस्तों जय हिंद लिख दीजिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, लगना चाहिए कि हाँ हम लोग एयरफोर्स के बंदे हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन 36 है दोस्तों, अगला क्वेश्चन 36 है और आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। जी हाँ दोस्तों, हाइट
हाइट एंड डिस्टेंस का है, क्या कह रहा है सुनिएगा। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था उस समय एक व्यक्ति की छाया यक्ष यक्ष थी, ठीक, छाया की लंबाई यक्ष थी, छाया में अंडर रूट 3 माइनस यक्ष की वृद्धि हो गई तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, एक मतलब कि एक समय था जिसमें जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना था दोस्तों, 45 अंश था। क्या था? सूर्य का उन्नयन कोण दोस्तों 45 अंश था। मतलब मैं चित्र बनाता हूं दोस्तों, यहां पे बना देता हूं। यहां पर दोस्तों एक व्यक्ति था और इसकी दोस्तों परछाई थी, ठीक। यहां पे दोस्तों आपका सूर्य था, तो जब एक व्यक्ति खड़ा हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसकी जो परछाई बनी दोस्तों, ठीक, इस व्यक्ति, ये व्यक्ति था आपका, व्यक्ति की जो परछाई बनी दोस्तों वो कितना बनी दोस्तों, यक्ष बनी, ठीक। क्या कह रहा था दोस्तों, कह रहा था, प्रश्न समझिएगा, कह रहा है दोस्तों कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था उस समय एक व्यक्ति की छाया की लंबाई यक्ष थी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर जो है उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है तो जो व्यक्ति की छाया है दोस्तों वो कितनी होगी, यक्ष होगी, ठीक, कितनी होगी दोस्तों, यक्ष होगी। और कह रहा है कि यदि छाया में अंडर रूट 3 माइनस यक्ष की 1 यक्ष की वृद्धि कर दी जाए, मतलब छाया आपकी बढ़ गई, ए बी सी था दोस्तों, छाया कितनी बढ़ी, अंडर रूट 3 माइनस 1 यक्ष बढ़ गई, यही चीज लिखा है दोस्तों। कह रहा है कि छाया में अंडर रूट 3 माइनस 1 यक्ष की वृद्धि हो जाएगी तो उसका कोण क्या हो जाएगा, अर्थात अब दोस्तों अब ये कोण क्या हो जाएगा, तब इसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, थीटा मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चीज है, कह रहा है कि जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश था उस समय एक व्यक्ति की छाया की लंबाई यक्ष थी, ठीक, एक व्यक्ति की छाया की लंबाई यक्ष थी, यदि छाया में इतने की वृद्धि कर दी जाए दोस्तों तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, चूंकि कह रहा है कि उन्नयन कोण 45 अंश है और 45 अंश अगर उन्नयन कोण है दोस्तों तो जो व्यक्ति की लंबाई रहेगी वही आपकी छाया भी रहेगी, ठीक, जो व्यक्ति की लंबाई रहेगी वही छाया भी रहेगी। अगर आप समझ रहे होंगे सर जी कैसे, तो अगर आप इसको यक्ष मान लीजिए, ये ट्रिक मैं बता रहा हूं कि अगर 45 अंश मिल जाएगा दोस्तों तो जो यहां रहेगा वही आपका यहां भी हो जाएगा, ठीक, लेकिन लेकिन ये यक्ष अगर यहां है तो यहां भी यक्ष हो जाएगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों कि यक्ष कैसे होगा। मान लीजिए ये यक्ष ना हो, जेड है, मान लीजिए जेड है, तो चूंकि हमको पता है दोस्तों टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है ए बी, आधार है बी सी, और थीटा का मान दोस्तों 45 अंश है, अर्थात टैन 45 अंश बराबर ए बी, ए बी का मान है जेड दोस्तों, और बटे बी सी का मान कितना है, यक्स, और टैन 45 अंश का मान एक होता है तो एक बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 बटे यक्स, तो यहां जेड बटे यक्स, तो यहां से दोस्तों जेड का मान क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, जेड का मान क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो इसलिए ट्रिक मैंने बताया कि जब भी इस तरह का प्रश्न रहे दोस्तों तो वहां पर आप केवल ये देखिए कि यहां पे कोण कितना है दोस्तों, जितना कोण रहेगा उसी के अनुपात में यहां पर बन जाएगा। तो यहां पे दोस्तों 45 अंश था और 45 अंश का मान एक होता है दोस्तों, इसीलिए यहां भी यक्स हो जाएगा। अब हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, थीटा का मान निकालना है, और जान लीजिए कि आपका ये बीच वाला नहीं है दोस्तों, जान लीजिए कि आपका ये बीच वाला नहीं है, अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो ए बी बटे बी डी, ठीक। तो टैन थीटा, थीटा का मान निकालना है, उतार लीजिए ए बी, ए बी का मान दोस्तों यक्स है बटे बी डी, और बी डी का मान है दोस्तों यक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 यक्स। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, किसी को दोस्तों कहीं भी कोई भी समस्या हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, ठीक, एक बार जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए दोस्तों, एक बार जय हिंद, जय हिंद एक बार बोल दीजिए, एकदम सन्नाटा देखता हूं दोस्तों।
लाइक नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये बेईमानी है दोस्तों। लाइक जरूर करिए दोस्तों, लाइक करिए और कमेंट करिए दोस्तों, बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों। हमने ट्रिक बताई दोस्तों, कौन सी ट्रिक बताई कि अगर थीटा का मान आपको 45 अंश मिल जाएगा तो जितना आधार रहेगा उतने लंब रहेगा। अब यहां पे दोस्तों देखिए, अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, टेन थीटा बराबर यक्स है, यक्स दोस्तों बटे यक्स प्लस, और ये यक्स अंदर शामिल करिए तो अंडर रूट थ्री यक्स माइनस यक्स, तो यक्स से यक्स कट जाएगा दोस्तों, आ जाएगा टेन थीटा बराबर यक्स बटे अंडर रूट थ्री यक्स, तो यक्स से यक्स कट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, टेन थीटा बराबर वन अपान रूट थ्री। बताइए, कमेंट करके बताइए कि एक बटे अंडर रूट तीन कितने अंश का मान होता है। जी हाँ दोस्तों, एक बटे अंडर रूट तीन टाइम कितने अंश का मान होता है, कमेंट करिए सभी लोग। तो देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही, सही है, बहुत सही जवाब दे रहे हैं, अर्थात टाइम 30 अंश का मान दोस्तों वन अपान रूट थ्री होता है। तो टाइन थीटा बराबर टाइन 30 अंश, इसका मतलब दोस्तों थीटा बराबर आ गया आपका 30 अंश, यही आ जाएगा आंसर। थीटा का मान आ गया दोस्तों 30 अंश, यही आ जाएगा आंसर। बताइए दोस्तों, अगर समझ में आ गया हो तो एक बार जय हिंद लिख दीजिए दोस्तों। समझ में आ गई हो सवाल तो दोस्तों एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, जल्दी से एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो। ये चीज था, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं दोस्तों कि मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट मैं सबका देखता हूँ दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इतना लंबा जो है लगाएंगे तो कैसे। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं समझा रहा हूँ, जब आप इसको प्रैक्टिस कर देंगे ना तो ये बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व होगी। जी हाँ दोस्तों, एक बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व होने लगेगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 दोस्तों। 37 आपका त्रिकोणमिति का है दोस्तों, लिखा है कॉस 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक, प्लस साइन 3 थीटा, प्लस साइन 3 थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा बराबर 0 हो दोस्तों, वहां पे नहीं दिख रहा होगा ठीक, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। दोस्तों हाई स्कूल में, हाई स्कूल की त्रिकोणमिति में हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था दोस्तों, और सॉल्व करने पर आया था 3/4 साइन 4 थीटा। जी हाँ दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर दोस्तों आया था 3/4 साइन 4 थीटा। याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा सूत्र के रूप में दोस्तों, इसको सूत्र के रूप में याद कर लीजिएगा कि cos 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा बराबर होता है दोस्तों 3/4 साइन की पावर साइन 4 थीटा। जो आप 2 रुपए कैपिटल बनाए हैं दोस्तों उसमें लिख लीजिएगा। अगर आप क्लास 1, 2 और 3 नहीं देखें, देखिए दोस्तों 2 प्लेलिस्ट है, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों तो वहां पर एक आपको मिलेगा क्रैश कोर्स एयरफोर्स और एक मिलेगा दोस्तों प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स। तो जो प्रैक्टिस सेट एयरफोर्स है उसकी भी सारी क्लास देख लीजिए दोस्तों, और क्रैश कोर्स एयरफोर्स है उसकी भी सारी क्लास देख लीजिए दोस्तों। दोनों मिलाकर टोटल जो है शायद 10 या 11 क्लास है दोस्तों, आप एक बार उसको देख लीजिए। केवल आप 2 या 3 दिन टाइम निकालिए दोस्तों, टाइम निकाल के वो सारी क्लासेस देख लीजिए, देख के नोट्स बना लीजिए दोस्तों, उसके बाद हमारे साथ लाइव पढ़ते चलिए, लिखते चलिए दोस्तों। एकदम बता रहे हैं, दमदार तैयारी हो जाएगी दोस्तों, आपको एकदम दमदार तैयारी हो जाएगी। तो एक बार जल्दी दोस्तों जय हिंद लिखिए, एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों और लाइव करिए दोस्तों। सुबह की क्लास देख रहे थे, सुबह की क्लास दोस्तों आप लोगों ने हर क्लास का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। सुबह की क्लास दोस्तों 105 लोगों ने देखी थी दोस्तों लाइव, 105 लोगों ने लाइव देखी थी दोस्तों। तो सुबह की क्लास का रिकॉर्ड आप आज तोड़िएगा दोस्तों, जरूर तोड़िएगा, और एक बार जल्दी से हर जगह शेयर कर दीजिए दोस्तों, एक बार शेयर कर दीजिए, तबाही मचा दीजिए दोस्तों। लगनी चाहिए कि हम लोग एयरफोर्स के बंदे हैं और तैयारी जोरदार कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए, cos 3 थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू cos क्यूब थीटा बराबर होता है दोस्तों 3/4 साइन 4 थीटा, बराबर हो जाएगा दोस्तों, बराबर 0 है, 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब हुआ दोस्तों साइन 4 थीटा बराबर 3/4 इधर जाएगा दोस्तों, तब भी आपका 0 ही रहेगा। अब ये बताइए दोस्तों, साइन कितने अंश का मान 0 होता है, यानी कि साइन 4 थीटा बराबर साइन पाई बाई 2। जी हाँ दोस्तों, पाई बाई 2 का मतलब, पाई बाई 2 नहीं दोस्तों, साइन कितने अंश का मान 0 होता है दोस्तों, ये लिखा है। तो आप बताइए दोस्तों, आप बताइए कि साइन कितने अंश का मान 0 होता है। हाँ देख रहा हूं मैं, मोहित, आशीष, दीपक, अभिषेक, सत्यनारायण, रौनक,
ज्ञान सिंह, संदीप, राजन, किशन कुमार, विकास। देख रहा हूं आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है। जी हाँ दोस्तों, साइन जीरो अंश का मान जीरो होता है दोस्तों। देखिए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों एक सूत्र लिखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सूत्र लिखा होगा, लिखा है कि थीटा का मतलब अगर साइन थीटा दिया है दोस्तों, साइन थीटा का मान ज्ञात होने पर थीटा का जो व्यापक मान होता है दोस्तों, थीटा बराबर एन प्लस एन पाई प्लस ब्रेकेट के अंदर माइनस वन की पावर एन अल्फा। दोस्तों क्लास ट्वेल्थ में पहले एक चैप्टर था दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक, या त्रिकोणमितीय फलन। जी हाँ दोस्तों, कितने लोग त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं बताइए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने लोग पढ़े हैं कमेंट करिए, बताइए कितने लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हैं दोस्तों। 2017 में था, 18 में इसको हटा करके 11th में कर दिया गया था, ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में दोस्तों था क्या था कि अगर दोस्तों अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा लिखा है दोस्तों, तो थीटा बराबर होता है दोस्तों यन पाई प्लस माइनस वन की पावर यन इंटू अल्फा। दोस्तों ये सूत्र होता है, तो वही चीज यहां पे लगेगा दोस्तों, साइन फोर थीटा बराबर साइन जीरो है, अर्थात थीटा जहां फोर थीटा है, अल्फा की जहां पे जीरो है, तो दोस्तों थीटा बराबर अर्थात थीटा जहां फोर थीटा बराबर हो जाएगा यन पाई प्लस माइनस वन की पावर यन और इंटू जीरो दोस्तों। तो जब किसी चीज में दोस्तों जीरो से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा, अर्थात फोर थीटा बराबर दोस्तों आ जाएगा यन पाई, तो थीटा बराबर आ जाएगा दोस्तों पाई बाई फोर। यही आ जाएगा दोस्तों आंसर, यही आ जाएगा हमारा क्या दोस्तों, आंसर आ जाएगा, अर्थात आप देख रहे होंगे हमारा ऑप्शन नंबर तीन जो है सही है। जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीन हमारा सही है। मोहित कह रहे हैं कि सर जो है तीनों एक बार पढ़ दीजिए, तो मोहित देखिए मैं पढ़ दे रहा हूं। एक तो आपका लिखा है कि यदि साइन थीटा का मान ज्ञात होगा तब ये है दोस्तों, मैं लिख भी दे रहा हूं, अगर कॉस थीटा बराबर है दोस्तों, अगर मान लीजिए कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, तो थीटा बराबर होता है दोस्तों टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। जी हाँ दोस्तों, अगर कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा है, तो थीटा बराबर होता है दोस्तों टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक। और अगर टैन थीटा बराबर टैन अल्फा है दोस्तों, टैन थीटा बराबर टैन अल्फा है दोस्तों, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों क्या लिखा है, देखिएगा थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा होता है। हाँ दोस्तों, थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा होता है दोस्तों। तो अपनी नोट्स में दोस्तों, अपनी नोट्स में ये तीनों चीज लिख लीजिए दोस्तों, एक ये है सूत्र, एक ये है सूत्र और एक ये है सूत्र दोस्तों, ये तीनों सूत्र अपनी नोट्स में लिख लीजिए, या फिर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसमें स्याही डाल देता हूं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, और एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, मैं स्याही डाल रहा हूं तब तक एक बार आप लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार दोस्तों जय हिंद लिखिए, जल्दी से एक बार जय हिंद लिखिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जल्दी से दोस्तों जय हिंद लिखिए दोस्तों। संदीप, रौनक, नील प्रताप, लवेश यादव, आस्तिक यादव, नितिन राठौर, चलिए तो आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा दोस्तों। ये था आज का ये वाला प्रश्न 37 नंबर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है दोस्तों, साइन 20 अंश, साइन 40 अंश, साइन 80 अंश। जी हां दोस्तों, साइन 20 अंश, साइन 40 अंश, साइन 80 अंश। जी हां दोस्तों, साइन 20 अंश, साइन 40 अंश, साइन 80 अंश का मान किसके बराबर होगा। जी हां दोस्तों, इसी का मान ज्ञात करना है हमको दोस्तों, याद रखिएगा इस तरह की दो सवालें थी हाई स्कूल में, इस तरह की दो सवालें थी, इसी में दिया रहता था दोस्तों इंटू साइन 60 अंश, ठीक, तो वही हटा दिया गया। तो चलिए दोस्तों, कोई दो पहले आप ले लीजिए, मतलब साइन 80 इंटू साइन 40 और इंटू साइन 20, इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इसको चाहे आप ऐसे लिखिए दोस्तों, चाहे ऐसे लिखिए, अर्थात इसको एक क्रम में हमने लिख दिया दोस्तों। अब दो ले लीजिए, अर्थात दोस्तों 1/2 × 2 कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, आप देख रहे होंगे दोस्तों,
एक बटे दो इंटू दो अर्थात दो से मैंने गुणा कर दिया दोस्तों, दो से भाग कर दिया, हमने ऐसा क्यों किया? आप पूछ सकते हैं दोस्तों, सर आपने ऐसा क्यों किया? तो दोस्तों हम जानते हैं हमको साइन बीस अंश का मान नहीं पता, हमको साइन चालीस अंश का मान नहीं पता, हमको साइन अस्सी अंश का मान नहीं पता, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, इसमें हम कोई सूत्र भी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते दोस्तों। एक चीज हमारे दिमाग में है दोस्तों, एक सूत्र हमको याद आ रहा है। आप सोचे होंगे दोस्तों, तो ये बोल मतलब सोचे होंगे कि एक सूत्र हमको याद आ रहा है। एक सूत्र होता है दोस्तों टू साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। एक सूत्र होता है दोस्तों टू साइन ए इंटू साइन बी। कितने लोगों को ये सूत्र याद है दोस्तों, कितने लोगों को ये सूत्र याद है दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए। कितने लोगों को ये सूत्र याद है दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए। बताइए कितने लोगों को ये सूत्र याद है? हनुमान बिश्नोई सर हमें याद है सूत्र। जिसको याद हो दोस्तों लिखिए और बताइए सूत्र क्या होगा इसका दोस्तों, इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों, बताइए किसको किसको याद है। तो दोस्तों टू साइन देखिए, टू साइंस ए इंटू साइन बी बराबर होता है दोस्तों टू कास, टू कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, टू कास ठीक क्या होता है देख लीजिएगा, टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, यही होता है सूत्र दोस्तों। इसको आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, मैं एक बार देख लेता हूं दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ दिख रहा है दोस्तों, यही सूत्र होता है आपका। टू साइन ए इंटू बी बराबर होता है दोस्तों टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, जी हाँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बराबर है, बराबर एक बटे दो है एक बटे दो, और दोस्तों इसकी जहां पे हम सूत्र लगाने चल रहे हैं यही वाला टू कॉस ए माइनस बी दोस्तों, टू एक मिनट रुकिए, टू नहीं है दोस्तों, यहां टू नहीं होगा, मतलब टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है दोस्तों कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो दोस्तों देखिए, ए की जहां पे है अस्सी अंश, बी की जहां पे है चालीस अंश, तो कॉस ए माइनस बी यानी कि अस्सी माइनस चालीस माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि अस्सी प्लस चालीस। बताइए दोस्तों, किसी को किसी लाइन में भी कोई समस्या है दोस्तों, किसी को किसी लाइन में भी कोई भी समस्या हो दोस्तों कमेंट करिएगा। याद रखिएगा, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक मैं बताऊंगा। आप अगर 20 बार पूछेंगे दोस्तों तो 20 बार बताऊंगा। ये मत सोचिएगा दोस्तों कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, सर दूर है, अपना भाई समझिएगा, अपना दोस्त समझिएगा दोस्तों, अपना मित्र समझिएगा। आपको कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आपका बड़ा भाई, आपका मित्र, आपके सर आपके साथ हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हम यहां पे टू साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र लगा दिए, बराबर है बराबर दोस्तों, एक बटे दो है एक बटे दो, ये हो जाएगा देखिए कास 80 में से 40 गए दोस्तों, कास 40 अंश माइनस कास 80 प्लस 40 दोस्तों, तो कास 120 अंश दोस्तों, ठीक। और देखिए दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, सूत्र आप लोग लिख चुके होंगे। तो दोस्तों देखिए, साइन 20 अंश लिखा था, साइन 20 अंश यहां लिख दीजिए। आगे देखिए दोस्तों, बराबर है बराबर, एक बटे दो है एक बटे दो, कास 40 अंश है दोस्तों, कास 40 अंश माइनस है माइनस, कास 120 अंश, कास 120 अंश का मान क्या होगा दोस्तों, कमेंट करिए बताइए दोस्तों, कास 120 अंश का मान क्या होगा बताइए, कास 120 अंश का मान क्या होगा दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए। तो देख रहा हूं दोस्तों बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों, कास 120 अंश का मान होता है माइनस एक बटे दो, साइन 20 अंश है साइन 20 अंश, ठीक। देखिए प्रमोद शर्मा कह रहे हैं सर कैसे माइनस एक बटे दो आ गया, तो प्रमोद जी मैं आपको एक सूत्र बता दूं, कास 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और 120 की जहां पे दोस्तों हम लिख सकते हैं कास 90 प्लस 30, कास 90 प्लस 30 करेंगे दोस्तों तो 9 3 12 120 हो जाएगा, और कास 90 प्लस 30 मतलब माइनस साइन 30, और साइन 30 अंश का मान दोस्तों एक बटे दो होता है, तो वही चीज है माइनस एक बटे दो लिखा गया है। अब चलिए दोस्तों, इधर से एक बटे दो अंदर शामिल करिए दोस्तों, मैं मिटाल देता हूं आपको दिखेगा नहीं, नहीं तो
आप लोग दोस्तों एक बार कमेंट करिए, जय हिंद का कमेंट करिए दोस्तों, जितना मैंने बताया अगर इतना समझ में आ गया हो दोस्तों तो एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों। लगना चाहिए आप लोग एकदम शांति में चले जाते हो दोस्तों, लगना चाहिए दोस्तों कि एयरफोर्स की बैच चल रही है। तो दोस्तों चलिए, बराबर है बराबर 1/2 cos 40° इंटू साइन 20° माइनस माइनस प्लस 1/4 sin 20° दोस्तों। देखिएगा क्या किया हमने, 1/2 से इसमें गुणा किया दोस्तों, तो 1/2 cos 40° हो गया, साइन 20° से इसमें गुणा किया तो साइन 20° भी आ गया। फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, 1/2 तो 1/4 हो गया दोस्तों, और साइन 20° है, साइन 20° हो गया। बराबर है दोस्तों, बराबर लिखिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर अगर 1/2 यहां पर अगर 2 आ जाए दोस्तों तो फिर से एक सूत्र लग जाएगा, और हमको सूत्र पता है दोस्तों, 2 cos A (sin B). जी हाँ दोस्तों, 2 cos A (sin B) का फार्मूला एक होता है दोस्तों, अर्थात इसीलिए हम करेंगे क्या, 1/2 अब 1/2 तो ये वाला है दोस्तों, और इसमें 1/2 × 2 कर देंगे cos 40° (sin 20° और प्लस 1/4 sin 20° जी हाँ दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, अर्थात 2 से 2 कट जाएगा, फिर से हमारा वही चीज आ जाएगा दोस्तों। समझाने में टाइम लगता है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ट्रिक बताइए, याद रखिएगा मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें आप जल्दी ट्रिक का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पेपर के टाइम में इतना प्रेशर रहता है दोस्तों, कि आप ट्रिक भूल जाएंगे। तो इसीलिए जब एक बार आप इसको देखेंगे, इससे आप प्रैक्टिस करिए, जहां आप हमारे साथ है ना, रुकिए कुछ दिन दोस्तों। मैंने कहा कि 5 सेट हल कराने दीजिए, आज हम लोग 2 पे पहुंचे हैं दोस्तों, 5 सेट हल कराने दीजिए, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ सर हमको शुरू में नहीं आता था लेकिन अब आने लगा, ये खुद आप बोलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब देखिए, इसको मैं पूरा मिटा देता हूं। बराबर है बराबर दोस्तों 1/2 × 1/2 1/4 हो गया। अब देखिए दोस्तों, 2 cos A (sin B) का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, sin A + B + sin A - B। दोस्तों जो फार्मूला मैं यहां पे लिखता हूं उसको आप अपनी 2 रुपए वाली कैपिटल में लिखते चलिएगा। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो क्लास 1 जरूर देख लें, मैथ प्रैक्टिस सेट क्लास 1 जो है जरूर देख लें, उसमें मैंने बताया है कि हम लोगों की जो तैयारी है वो कैसे चलेगी दोस्तों। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अब 2 cos A (sin B) बराबर sin A + B, A का मतलब 40°, B का मतलब 20°, तो 40 + 20, और प्लस sin A - B, तो 40 - 20। ठीक, ये चीज है दोस्तों। तो sin A + B, रुक जाएगी दोस्तों, यहां पे प्लस नहीं होगा, देखिए जो यहां पे प्लस लिखा हूं ये सूत्र में देख रहे होंगे दोस्तों, यहां पे प्लस नहीं होगा, यहां पे माइनस होगा। 2 cos A (sin B) बराबर होता है दोस्तों sin A + B - sin A - B होता है दोस्तों। ठीक, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ हमारा, 1/4 sin 20° दोस्तों। बराबर है बराबर दोस्तों 1/4 इसमें भी है, 1/4 इसमें भी है, 1/4 कॉमन ले लीजिए। sin 40 और 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, sin 60° - sin 20° प्लस 1/4 हमने कॉमन ले लिया है दोस्तों, sin 20°। इससे ये कट जाएगा दोस्तों, 1/4 और इंटू sin 60° का मान क्या होता है दोस्तों, √3/2, अर्थात मान कितना आ जाएगा दोस्तों, √3/8। जी हाँ दोस्तों, √3/8 इसका जो है क्या आ जाएगा दोस्तों, सही जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया हो तो बताइए, कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्तों, केवल 2 सूत्र हमने लगाया, एक लगाया 2 cos A (sin B), तो 2 cos A (sin B) बराबर होता है दोस्तों sin A + B - sin A - B। एक हमने लगाया दोस्तों 2 sin A (sin B), 2 sin A (sin B) बराबर होता है दोस्तों cos A - B - cos A + B। दोस्तों यही 2 सूत्र हमने इसमें लगाया है। आगे चलते हैं दोस्तों और अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है दोस्तों। मजा आ रही है कि नहीं दोस्तों, एक बार बताइए दोस्तों मजा आ रही है कि नहीं, बताइए दोस्तों एक बार जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए दोस्तों, और शेयर करिए, एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगा है, क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 और लिमिट का प्रश्न है। मैंने बताया है दोस्तों, लिमिट हो गया आपका, संकु परिच्छेद हो गया आपका, आपका लिमिट हो गया, संकु परिच्छेद हो गया दोस्तों, प्रायिकता हो गई, अवकलन हो गया, समाकलन हो गया दोस्तों। ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिसमें से प्रश्न आने ही आने हैं दोस्तों। और मैंने कहा कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैं विस्तार से बताऊंगा। संकु परिच्छेद वाला चैप्टर आपको मैंने बताया परसों, आपकी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। कह रहा है, क्या कह रहा है, लिमिट यक्स टेंस टू ए, यक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बटे यक्स माइनस ए, यही है दोस्तों, यही है। अब देखिए, हमने कहा दोस्तों कि जब भी लिमिट का प्रश्न आ जाए पहले आप देखिए क्या उसका कोई गुणनखंड हो रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे तो इसका कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है, ठीक। मैंने कहा दोस्तों कि जब गुणनखंड ना हो तो आप डायरेक्ट मान रखिए। दोस्तों अगर इसमें हम डायरेक्ट मान रखेंगे, अर्थात यक्स की जहाँ पर अगर हम ए रखें तो यहाँ ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन, अर्थात क्या आ गया दोस्तों, जीरो आ गया, यहाँ लिखता हूँ जीरो आ गया दोस्तों, बटे यक्स कि जहां पे अगर a रखेंगे तो a माइनस ए यानी क्या आ गया दोस्तों, जीरो बटे जीरो। और दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपका जीरो बटे जीरो आ जाए या फिर इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट आ जाए, जब भी ये मिल जाए आपको तो जान लीजिएगा दोस्तों यल हॉस्पिटल रूल लगेगा। जी हाँ दोस्तों, यल हॉस्पिटल रूल लगेगा दोस्तों। और यल हॉस्पिटल रूल का मतलब होता है दोस्तों कि अंश का भी अवकलन कर दीजिए, हर का भी अवकलन कर दीजिए दोस्तों। तो जब हम अवकलन करेंगे अर्थात यल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे दोस्तों, तो लिमिट यक्स टेंस टू ए, इसका जब अवकलन करेंगे दोस्तों तो यक्स की पावर एन का, यक्स की पावर एन का अवकलन होता है दोस्तों एन यक्स की पावर एन माइनस वन, और d अपॉन डी एक्स अगर कोई गिनती लिखी हुई है दोस्तों या कांस्टेंट है a b c d ये सब है, तो दोस्तों इसका अवकलन होता है जीरो। तो देखिए यहाँ पे x की पावर n है दोस्तों, तो इसका अवकलन हो जाएगा एन एक्स की पावर n माइनस वन दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों a की पावर n है अर्थात गिनती है, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो हो जाएगा। किसी को कहीं भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट करिएगा। बटे यक्स, अब चूंकि हमने बताया दोस्तों कि यक्स की पावर एन, जब एन का मान एक है दोस्तों तो अर्थात यक्स की पावर जीरो अर्थात एक आ जाएगा। इसका मतलब हुआ दोस्तों अगर कहीं डी अपान डी एक्स यक्स लिखा है दोस्तों, देखिए डी एक्स अपान डी एक्स क्या हो गया, एक आ गया, अर्थात इसकी जहां पे हो जाएगा एक माइनस जीरो, तो बराबर हो जाएगा दोस्तों लिमिट यक्स टेंस टू ए एन यक्स की पावर एन माइनस वन बटे वन। अब यक्स की जहां पे मान रख दीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा एन ए की पावर एन माइनस वन, यही आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों, यही आ जाएगा आंसर। बताइए मजा आई कि नहीं दोस्तों, बताइए मजा आई कि नहीं दोस्तों, समझ में आई हो दोस्तों, जय हिंद। एक बार जय हिंद लगाइए दोस्तों, एक बार जय हिंद सबका दोस्तों, कम से कम 50 जय हिंद आना चाहिए। हम लोग एयर फोर्स के बंदे हैं दोस्तों, ना मिले तो शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, वहां से बंदे को बुला के लाइए दोस्तों, और जय हिंद लिखिए दोस्तों, 50 जय हिंद दोस्तों लिखना चाहिए। मैथ की क्लास चल रही है दोस्तों, मैथ की क्लास चल रही है, हल्के में लिए हैं दोस्तों, आप बताइए मैथ की क्लास चल रही है दोस्तों, हल्के में लिए हैं, जल्दी से एक बार शेयर करिए दोस्तों, जल्दी से लग जाइए दोस्तों, सब लोग लग जाइए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 पर, क्या कह रहा है देखिएगा। लिखा है दोस्तों y बराबर साइन स्क्वायर अंडर रूट x, y बराबर साइन स्क्वायर अंडर रूट x, तो dy अपान dx का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, dy अपान dx का मान ज्ञात करना है, ठीक। दोस्तों आपकी प्लेलिस्ट में एक अवकलन की क्लास पड़ी है RKY सर की, उसको देखिए एकदम विस्तार से, जिसको समझने में थोड़ा बहुत भी प्रॉब्लम हो रही हो दोस्तों, एक बार आप अवकलन वाली क्लास जरूर देख लीजिए, ठीक। एक बार आप अवकलन वाली क्लास जरूर देख लीजिए, वहां पर आपको एकदम समझ में आ जाएगा दोस्तों, अवकलन में कहीं कोई समस्या होगी ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, जब अवकलन करते हैं हम किसी चीज का, अर्थात जब हम dy अपान dx करेंगे दोस्तों, सुनिएगा, जब हम dy अपान dx करेंगे दोस्तों, हमको साइन x का अवकलन पता है दोस्तों, साइन एक्स का अर्थात डी अपान डी एक्स साइन एक्स लिखा है दोस्तों, तो इसका अवकलन होता है कॉस एक्स, लेकिन डी अपान डी एक्स कॉस एक्स लिखा है दोस्तों, तो इसका अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक। एक अवकलन हमको यही पता है दोस्तों
कि अगर कहीं साइन एक्स लिखा हुआ है दोस्तों तो उसका अवकलन कॉस एक्स होगा, अगर कहीं कॉस एक्स लिखा है तो उसका अवकलन दोस्तों साइन एक्स होगा। ठीक मोहित सर, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझाने, धन्यवाद मोहित। दीपक सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, धन्यवाद दीपक। तो एक बार जल्दी से दोस्तों आप लोग शेयर करिए दोस्तों, मज़ा नहीं आ रही दोस्तों, एक बार शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए, आप देख रहा हूँ लाइक भी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे काम चलेगा दोस्तों, कैसे काम चलेगा बताइए। आपके लिए मैं परेशान हो रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए इतना किया जा रहा है दोस्तों, लाइक नहीं करेंगे दोस्तों तो कैसे काम चलेगा बताइए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, यही चीज सॉल्व करते हैं दोस्तों, हमको अवकलन करना है साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स का। तो देखिए दोस्तों जब भी आपको इस तरह का मिल जाए, ठीक, तो यहां पे अंडर रूट एक्स दिख रहा है दोस्तों ना, इसको आप कुछ मान लीजिए, माना अंडर रूट एक्स बराबर टी के, तो जब उसको टी मान लेंगे दोस्तों ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। ठीक एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, काश 2t बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये फार्मूला पता है कि नहीं दोस्तों आपको, जब यहाँ पे x होगा दोस्तों तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y होगा दोस्तों तो यहाँ पे y हो जाएगा। अगर मैं आपके रूप में लिखता हूँ दोस्तों तो cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दोस्तों, तो यहाँ से अगर हम दोस्तों साइन का मान निकालें, यहाँ से अगर हम दोस्तों साइन का मान निकालें अर्थात 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस कॉस 2 थीटा, या फिर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 दोस्तों। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, यानी कि हम इसकी जहाँ दोस्तों लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस 2 टी अपान 2 दोस्तों, या फिर हम लिख सकते हैं वाई बराबर 1 अपान टू वन माइनस कॉस 2 टी दोस्तों। जी हाँ, अब इसका अवकलन करेंगे दोस्तों डी वाई अपान डी टी, चूंकि यहां पे टी है दोस्तों तो इसलिए टी कर रहे हैं, तो डी वाई अपान डी टी बराबर हो जाएगा 1 अपान टू, और ये गिनती है दोस्तों, अभी हमने बताया कि अगर डी अपान डी एक्स कोई गिनती लिखी रही दोस्तों यहां पे, तो इसका जो मान होता है दोस्तों जीरो होता है, तो इसका मान हो गया जीरो माइनस। अब देखिए दोस्तों लिखा है समाकलन कॉस 2 डी टी, कॉस 2 टी ये अवकलन करना है दोस्तों इसका, ठीक d अपान डी टी। तो दोस्तों देखिए cos 2 का, देखिए cos x का होता है माइनस साइन x, ठीक cos x का होता है दोस्तों माइनस साइन x, तो जब यहां पे 2 है तो ये 2 आगे आ जाएगा, और x की जहां पे t की जहां 2t है दोस्तों तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2t हो जाएगा, अर्थात दोस्तों ये हो जाएगा माइनस माइनस 2 साइन 2t। जी हाँ दोस्तों इसका जब अवकलन करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t। जी हाँ दोस्तों कहीं कोई समस्या है दोस्तों तो कमेंट करिए, कठिन नहीं है दोस्तों। देखिए मैथ अगर आप बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं दोस्तों तो कठिन लगती है, लेकिन यही आप अभी 2 बार देख लीजिए, एक बार क्लास लाइव देख लीजिए, एक बार आप फिर से देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, एकदम लोहा हो जाएगा दोस्तों, कभी भूलेगा ही नहीं, बता रहा हूं मैं कभी नहीं भूलेगा दोस्तों, आप एक बार इसको और देख लीजिए अर्थात 2 बार जरूर देखिए दोस्तों। तो देखिए हो जाएगा दोस्तों डी वाई अपान डी टी बराबर ये 2 से 2 कट जाएगा अर्थात साइन 2t दोस्तों, और यहां पे हमने क्या माना था दोस्तों, जो माना था एक बार इसका अवकलन कर दीजिए दोस्तों, अर्थात डी टी अपान डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का हो जाएगा दोस्तों 1 अपान 2 रूट एक्स। जी हाँ दोस्तों आप सोच रहे होंगे कैसे वो हुआ दोस्तों, तो आइए हम इसको यहां बताते हैं। देखिए लिखा है दोस्तों t बराबर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स यहां लिख सकते हैं एक्स घात 1/2, कोई चीज अगर अंडर रूट में है तो उसको हम 1/2 की पावर में लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों डी टी अपान डी एक्स जब करेंगे, हमको पता है कि x की पावर n का फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, तो n का मान है 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1 अर्थात 1/2 x की पावर माइनस 1/2, और हमने बताया कि जब किसी की पावर माइनस में रहेगी दोस्तों तो वो नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर से देखिए x की पावर 1/2 आ गया ना, तो वही चीज लिखा गया है दोस्तों।
अब हमको निकालना क्या था दोस्तों, हमको निकालना था dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा dy अपॉन dt और इनटू दोस्तों dt अपॉन dx, मान रख दीजिए दोनों sin 2t और इनटू 1 अपॉन 2 रूट x, अर्थात इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा sin 2 और t का मान है रूट x, t का मान यहां से रख देंगे दोस्तों, तो sin 2 रूट x अपॉन 2 रूट x, यही आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर। कहीं समस्या हो दोस्तों बताइएगा, देख रहा हूं दो तीन लोग कह रहे हैं दोस्तों नहीं समझ में आया, तो इसको एक बार आप बैक करके देखिएगा, अगर फिर भी ना समझ में आए दोस्तों तो आप ग्रुप पर मैसेज करिएगा, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा आपको, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए दोस्तों तो एक बार ग्रुप पर मैसेज करिएगा, मैं समझा दूंगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पर, जी हाँ दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पर, और क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, परवलय, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है दोस्तों देखिएगा, लिखा है परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जी हां दोस्तों वाई स्क्वायर बराबर 4ax उसके अक्ष एवं x बराबर 4 तथा x बराबर 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जी हां दोस्तों संक परिच्छेद वाला चैप्टर अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों उसको देख लीजिए, उसमें मैंने इसको विस्तार से समझाया है। इसका दोस्तों चित्र अगर आप बनाइए तो कैसे बनेगा, कह रहा है दोस्तों x बराबर 4 से x बराबर 9 पर घिरा हुआ है, y स्क्वायर बराबर 4ax, हमने कहा दोस्तों कि अगर एक की घात एक हो एक की घात दो है परवलय है, और जहां पे घात एक लगी है उधर मुंह खुलेगा, x पर घात एक लगी अर्थात x अक्ष की तरफ इसका मुख खुलेगा, अर्थात जो इस परवलय का चित्र बनेगा दोस्तों, जो इस परवलय का चित्र बनेगा वो आपका यही हो जाएगा दोस्तों, ठीक, ये आपका परवलय हो गया, ये आपका यस हो गया दोस्तों। क्या कह रहा है कि x बराबर 4 से x बराबर 9 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ऐसे रहेगा दोस्तों, तो हमको निकालना क्या है, x बराबर 4 से, इसको 9 मानिए, x बराबर 4 से x बराबर 9 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों, हमको यही निकालना है, देख लीजिए x बराबर 4 से x बराबर 9 के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों, यही हमको निकालना है। तो याद रखिएगा हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्तों कि जो क्षेत्रफल है हमारा, किसी को कहीं समस्या है दोस्तों, जो हमको निकालना है क्षेत्रफल यही निकालना है। तो दोस्तों सूत्र होता है, अगर x का मान दिया गया रहे तो जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों x बराबर a से x बराबर b y dx, ठीक, तो देखिए दोस्तों x बराबर a अर्थात 4 से कहां तक 9 तक, और y यहां से दोस्तों y का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 4ax हो जाएगा, या फिर दोस्तों 2 रूट ax हो जाएगा दोस्तों, या फिर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 रूट a इंटू रूट x, y का मान यही हो जाएगा, रख दीजिए 2 रूट a इंटू रूट x dx, ठीक, सूत्र में मैंने मान रख दिया दोस्तों, बराबर है बराबर 2 रूट a है 2 रूट a 4 टू 9 रूट एक्स डी एक्स। आगे देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2, और सूत्र होता है समाकलन x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 अपान x की पावर n प्लस 1, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 रूट a, और इसका हो जाएगा अवकलन दोस्तों x की पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1, लिमिट लगी है दोस्तों 4 से 9, तो 4 से 9 आप क्या करिए दोस्तों लिमिट लगा दीजिए, अर्थात दोस्तों क्या हो जाएगा देखिए 2 रूट a x की पावर 2 × 2 = 3/2 और बटे 3/2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4 से 9। कहीं समस्या हो दोस्तों बताइएगा, हनुमान विष्णु ईश्वर एक बार फिर से बताइए, देखिए ये आपका परवलय दिया गया था दोस्तों, कह रहा था कि x बराबर 4 से x बराबर a, दोस्तों जो फार्मूला होता है मैं लिख दे रहा हूं, मैं जान रहा हूं फार्मूला नहीं लिखा इसलिए आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, फार्मूला होता है दोस्तों
अगर आपको यक्स बराबर ए से यक्स बराबर बी दिया गया है, तब जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, यक्स बराबर ए से यक्स बराबर बी वाई डी यक्स होता है। अगर दोस्तों वाई बराबर ए से वाई बराबर बी दिया गया है, तो जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वाई बराबर ए से वाई बराबर बी यक्स डी वाई होता है दोस्तों। यही दो सूत्र है दोस्तों, यही दो सूत्र लगा दिया हमने। तो दोस्तों यहां से जब मान रखेंगे अब, तो ये हो जाएगा टू रूट ए और इनटू ये टू बटे थ्री, और यहां पे यक्स यहां पे एक बार नौ एक बार चार, तो नौ की पावर थ्री अपान टू माइनस फोर की पावर थ्री अपान टू दोस्तों। तो ये हो जाएगा दो दूना चार बटे तीन रूट ए। यहां पे देखिए दोस्तों, नौ की घात तीन बटे दो लिखा है, अर्थात अंडर रूट नौ की घात तीन, तो अंडर रूट नौ का मतलब होता है तीन दोस्तों, तो तीन की घात तीन का मतलब क्या हुआ बताइए, तीन त्रिका नौ त्रिक सत्ताईस दोस्तों, माइनस चार, तो अंडर रूट चार का मान दो होता है दोस्तों, दो की घात तीन का मतलब दो दूना चार दूना आठ। यानी दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि चार बटे थ्री रूट ए सत्ताईस माइनस आठ, इसको दोस्तों हम यहां सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा इसको हम यहां सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, बराबर है बराबर चार बटे तीन है, चार बटे तीन रूट ए है रूट ए, और सत्ताईस में से आठ घटाइए दोस्तों उन्नीस, और उन्नीस सौ चौक छिहत्तर बटे तीन रूट ए वर्ग इकाई, यही आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। बताइए कहीं समस्या हो दोस्तों, कहीं समस्या हो दोस्तों तुरंत कमेंट करिए, मैं बताता हूं फिर से एक बार, कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल यही दो सूत्र याद कर लीजिए, यही दो सूत्र याद कर लीजिए, और हमने वही सूत्र रख करके हल कर लिया दोस्तों। देखिए एयर फोर्स का यक्स ग्रुप का है, और याद रखिएगा दोस्तों यक्स ग्रुप में अगर अगर आपको इस तरह का प्रश्न दे देता है दोस्तों, तो मेरिट हाई नहीं जाती, ज्यादा से ज्यादा मेरिट जो जाएगी 30 या 31 नंबर जाती है दोस्तों। अगर इस तरह का हार्ड प्रश्न दे दिया जाए दोस्तों, तो जो मेरिट जाती है वो 30 या 31 नंबर जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाती दोस्तों। तो याद रखिएगा टारगेट क्या रखना चाहिए दोस्तों, टारगेट ये रखना कि इंग्लिश में आप ज्यादा स्कोर करिए, अर्थात 20 क्वेश्चन में दोस्तों इंग्लिश में, इंग्लिश के 20 प्रश्नों में दोस्तों 17 या 18 क्वेश्चन आप सही करिए, और मैथ और साइंस मिला करके दोस्तों, मैथ और साइंस मिला करके दोनों में आपको 20 क्वेश्चन सही करना है, अर्थात 50 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ये और 17 क्वेश्चन वो दोस्तों, तो आपका 37 नंबर हो जाएगा, अर्थात मेरिट से ऊपर चले जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए परेशान मत होइएगा दोस्तों, लेकिन लगाते सब रहिए दोस्तों, लगाते सब रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आएगा, क्यों नहीं आएगा, अभी तो हम लोग दूसरे सेट पर ही पहुंचे हैं दोस्तों, अभी तो दूसरे सेट पर ही पहुंचे हैं। तो दोस्तों मजा आ रही हो तो एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, एकदम आप लोग तो निराश हो जाते हैं दोस्तों, एकदम आप लोग निराश हो जाते हैं, बताइए बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या नितिन राठौर कह रहे हैं कौन था, अरे कौन था क्या दोस्तों, रसोड़े में कौन था ये है, मतलब आपको पता भी नहीं है बताइए, हर जगह पूरी दुनिया में वायरल हो गया दोस्तों, रसोड़े में कौन है, कौन है, और आप कह रहे हैं कौन है। तो चलिए दोस्तों मजा आ रही हो दोस्तों, तो जरूर लाइक करिए दोस्तों, जरूर लाइक करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43, जी हाँ दोस्तों, हाँ 43, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है दोस्तों, तो उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता बताइए, ठीक, क्या कह रहा है दोस्तों, उसके काला और बेगम होने की प्रायिकता बताइए दोस्तों। तो देखिए जब भी ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालना है, तो अगर डायरेक्ट कहता कि ताश की पत्ती में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 1/52 हो जाएगी दोस्तों। लेकिन कह रहा है कि काला और बेगम, एक पत्ता निकाला जाता है, काला और बेगम होने की प्रायिकता, तो दोस्तों हमको पता है दोस्तों कि ताश में दोस्तों 13 पत्ती आपकी हुकुम की होती है, 13 पत्ती आपकी चिड़ी की होती है, 13 पत्ती आपकी ईंट की होती है, 13 पत्ती आपकी पान की होती है दोस्तों, ये दोनों लाल होता है, ये दोनों काला होता है दोस्तों,
और अगर काला पत्ते में से निकाला जा रहा है दोस्तों, तो अर्थात काले पत्ते में आपका क्या होगा दोस्तों, या तो हुकुम हो सकता है या तो चिड़ी हो सकता है। और बेगम कह रहा है दोस्तों, इसका मतलब दो पत्ते ऐसे हैं दोस्तों इसमें जो काले भी हैं और बेगम भी है, मतलब हुकुम की बेगी और चिड़ी की बेगी। ताश कौन कौन खेला है दोस्तों, ताश में बताइए, चार राजा और चार रानी और चार बेगम और चार गुलाम होते हैं दोस्तों, और चार गुलाम चार बेगी होते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि बेगम और काला दोनों हो दोस्तों, तो दो पत्ती ऐसी है जो बेगम भी है और काली भी है दोस्तों। तो हमको दो पत्ती में से एक पत्ती निकालनी है, तो अर्थात 2C1 पहले कर दीजिए दोस्तों, दो आ जाएगा। ठीक, हमको पता है कि NCR का फार्मूला होता है दोस्तों, N का फैक्टोरियल अपान R का फैक्टोरियल और N-R का फैक्टोरियल, यही होता है फार्मूला दोस्तों। तो 2C1 का मान आ गया दोस्तों क्या, दो आ गया। और प्रायिकता बराबर होता है दोस्तों घटित घटना बटे कुल घटना, घटित घटना बटे कुल घटना दोस्तों, यही दोस्तों सूत्र होता है। अर्थात P बराबर दोस्तों घटित घटना क्या है दोस्तों, दो, अर्थात इसी दो में से एक पत्ती निकालनी है दोस्तों। और टोटल कितनी पत्ती है दोस्तों, टोटल देख रहे हैं 13 चौको 52 पत्ती है, यानी 2/52 अर्थात 1/26, 20 × 40 × 12, अर्थात जो प्रायिकता हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी 1/26, यही आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। तो ये था आज का प्रश्न दोस्तों, आज हमने 43 प्रश्न पर डिस्कस किया, जी हाँ दोस्तों आज हमने 43 प्रश्नों पर डिस्कस किया, और बचे हुए सात प्रश्न पर दोस्तों हम लोग कल चर्चा करेंगे, और कल की क्लास आपकी छोटी रहेगी दोस्तों, कल वही 7 क्वेश्चन बता करके कल की क्लास छोड़ दी जाएगी दोस्तों। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, लेकिन दोस्तों हम लोग कहाँ के हैं स्टूडेंट, हम लोग एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, और अगर एयरफोर्स के स्टूडेंट है दोस्तों तो लाइक बनता है कि नहीं बनता बताइए आप लोग, आपके लिए अगर मेहनत की जा रही दोस्तों तो लाइक बनता है कि नहीं, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, भारत माता की जय, जय हिंद लिखिए दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।